दोस्तों, व्यू इस वीडियो में आइट्राशीज कैप्सूल के बारे में जानेंगे, क्या होता है, कौन सी बीमारी में दिया जाता है, किस तरह से काम करता है, डोज कितनी होती है, कितने दिन तक लिया जाता है, सब कुछ जानेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए, आइट्राशीज एक ब्रांड नेम है सिस्टोपिक कंपनी का। इसको डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं, कभी भी इसका सेल्स पुश मत कीजिएगा। लगभग हर एरिया में हर दुकान पर आसानी से मिल जाता है, काफी पॉपुलर प्रोडक्ट है। बात करते हैं भाई, कौन सी बीमारी में दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। तो दोस्तों, इसके अंदर आता है आइट्राकोनाजोल, जो 100 mg में आता है और 200 mg में भी आता है। आइट्राकोनाजोल एक एंटी फंगल मेडिसिन होती है। फंगल इन्फेक्शन में ये काम करती है। अगर फंगल इन्फेक्शन है व्यक्ति को, तो वहाँ डॉक्टर देते हैं उस फंगल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। जैसे कि माउथ के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, गले का इन्फेक्शन हो जाता है, महिलाओं में प्राइवेट पार्ट के अंदर विजाइना के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, या कोई राउंड दांत बन रहा है, ठीक है, दांत के ऊपर खुजली चल रही है, लाल निशान है, पूरा लाल है दांत, तो वो फंगस के कारण हो सकता है, तो उस केसेस में डॉक्टर दे सकते हैं। या पूरी बॉडी भी ऊपर दाद है, कहीं पर भी हो सकता है पूरी बॉडी पर दाद, ठीक है, या कोई नेल का इन्फेक्शन है, नाखून में इन्फेक्शन है, नाखून गल रहा है, तो वहाँ पर भी डॉक्टर दे सकते हैं। पूरी बॉडी में खुजली चलती है, मीठी मीठी खुजली चलती है, बहुत ज़्यादा खुजली करने का मन करता है, या छोटी छोटी फुंसियाँ हो गई है, तो वो भी फंगस के कारण हो सकती है, तो वहाँ पर फिर डॉक्टर उस फंगस को ख़त्म करने के लिए चला सकते हैं इस कैप्सूल को। बात करते हैं भाई, काम किस तरह से करता है। तो देखिए, आइट्राकोनाजोल जो होता है, ये जो फंगस की जो बाहरी दीवार होती है, जो फंगस को प्रोटेक्ट करती है, तो उसी दीवार को गिराकर काम करता है। साथ ही साथ कुछ एंजाइम्स, कुछ प्रोटीन को भी बंदिश रोक देता है, जिनके कारण फंगस बहुत ज़्यादा फैलता है, अपने आप को बढ़ा लेता है। बात करें डोज की और ड्यूरेशन की, दोस्तों ये सबसे मेन पार्ट होता है। कई बार कुछ लोगों में ठीक होने के बाद वापस आ जाते हैं, तो यही रीज़न होता है हम पूरा ट्रीटमेंट नहीं ले पाते और पहले बंद कर देते हैं। जैसे आप कैप्सूल लोगे 3-4 दिन, तो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, लेकिन अंदर से ठीक नहीं होती, इसलिए पूरा डोज लेना चाहिए। इसको दोस्तों 7 दिन भी दिया जा सकता है, 14 दिन भी दिया जा सकता है, और 21 दिन भी चल सकता है। इसकी कोई टाइम पीरियड नहीं होता, प्रॉब्लम को देख के आगे भी बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है। सुबह शाम ज़्यादातर डॉक्टर देते हैं। बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में, वैसे तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन देने के बाद हो सकते हैं, जैसे कि धुंधला दिखाई दे सकता है, कब बन सकता है, या कॉमन कोल्ड बन सकता है, लेकिन ये बहुत ही कम चांस होते हैं, सभी के साथ नहीं होते। सावधानी बस यही है, डॉक्टर के साथ लेना है, सेल्फ नहीं करना है। अगर देने के बाद भी आराम नहीं मिले, आपने ट्रीटमेंट पूरा कर लिया है, तो दोस्तों एक बार फिर से डॉक्टर को जरूर दिखाना है। मिलते हैं वीडियो में।